नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। देखो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की दोस्तों अगर अपन बात करें, ये टॉपिक जो है आपका दोस्तों, आप किसी प्रकार के एग्जाम के कंपटीशन की तैयारी करो, चाहे आप KBS की तैयारी करो, NEVS की तैयारी करो, DSSSP की तैयारी करो, हर एग्जाम के सिलेबस में आपको दोस्तों ये टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है दोस्तों, क्योंकि भारत सॉरी विश्व का प्रथम क्या पुस्तकालय संघ है। ठीक है, इस टॉपिक को आप दोस्तों किसी प्रकार से किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, आपको जो टॉपिक पढ़ना है बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पढ़ना है। जो SLC क्लासेस दोस्तों या जो अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेसिक कंसेप्ट से। आप किसी प्रकार किसी भी टॉपिक को आप दोस्तों बेसिक कंसेप्ट से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका उस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप जो नोट्स बना रहे हो दोस्तों बेसिक कंसेप्ट से बनाओ, एक एक चीज के बनाते रहो, ठीक है, और आप उसका क्या करो, हर टाइम टू टाइम क्या करो उसका दोस्तों रिवीजन करो। अगर अपन दोस्तों अपन बात करें आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य है एक ही लक्ष्य है कि आने वाले समय में 2021 में लाइब्रेरियन बनना, या जो पंजाब लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है 750 की, NTA की आई है, या बिहार में अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है 1800 पोस्ट में क्या बनना, लाइब्रेरियन बनना जो 2021 में, आपका यही सपना होना चाहिए, आपके सामने यही मंजिल दिखाई देनी चाहिए। जो आपके सामने मंजिल दिखाई दे रही है वो मंजिल दोस्तों 2021 में लाइब्रेरियन बनने की दिखाई दे रही है। जो मंजिल दोस्तों सामने दिखाई दे रहा है आपको साइज कितना ही पहाड़ों, तो आप भी दोस्तों मांझी माउंटेन से कम नहीं हो, आप भी उस पहाड़ को क्या कर दोगे, तोड़ दोगे, आप भी उस पहाड़ पर तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे, लेकिन जो आपका माँ बाप का सपना है, जो आपका सपना है, वो सपना भी दोस्तों क्या करोगे, आप पूरा करोगे। दोस्तों जिसका कोई सपना नहीं होता, जिसका कोई सपना नहीं होता, उस व्यक्ति का, उस विद्यार्थी का इस धरती पर कोई अस्तित्व भी नहीं होता। जब तक आप अपने जहन में एक सपना नहीं पालोगे, जब तक आप अपने जहन में कोई एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, तब तक दोस्तों आपके मन में दोस्तों कुछ भी जो है ना प्राप्त करने की दोस्तों कोई मनसा नहीं होगी। आपके मन में एक दोस्तों एक वो होना चाहिए कि आप दोस्तों जो है उठते बैठते मन में कुछ भी आपको दिखे तो आपको एक ही दिखना चाहिए कि मेरे को जो है बिहार लाइब्रेरियन जो कि वैकेंसी आने वाली है 2021 में, या पंजाब लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आई है 750 पोस्ट की, उसमें मेरे को लाइब्रेरियन बनना है, उसमें मेरे को पुस्तकालय अध्यक्ष बनना है, उसमें चाहे से दोस्तों कितने ही मेरे को मेहनत करनी पड़े, चाहे से मेरे को 10 घंटे पढ़ने पड़े, चाहे से 15 घंटे पढ़ने पड़े या 20 घंटे पढ़ने पड़े, मैं पढ़ूंगा, मैं इस सपने को पूरा करूंगा, जो मेरे सामने मंजिल दिखाई दे रही है उस मंजिल को प्राप्त करूंगा, चाहे से मेरे सामने कितना ही बड़ा पहाड़ हो उस पहाड़ को मैं तोड़ूंगा, मैं भी जो है मांझी माउंटेन से कम नहीं हूं। ठीक है, तो दोस्तों सभी का आपका स्वागत है। अगर दोस्तों आपके शरीर में खून नहीं जुनून दौड़ता है तो सभी का SLC क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। देखो ALA की अगर अपन बात करते हैं, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की अपन बात करते हैं दोस्तों, विश्व की जो पुस्तकालय संघ है, पुस्तकालय संघों में अपना एक अहम योगदान भी रखता है, क्योंकि जो संघों की स्थापना की अपन बात करते हैं, संघों से अपन बात करते हैं, संघ का अर्थ क्या होता है, संघ दोस्तों किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए उसकी स्थापना की जाती है और किसी एक प्रभाग के लिए किसी संस्था को या किसी प्रमुख को दोस्तों क्या करता है, ये प्रमुख के लिए ही कार्य करता है। तो संघ जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA है, ये केवल और केवल सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए ही कार्य करता है। तो सबसे पहले दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा, अपना टॉपिक का नाम क्या है आपकी ALA है। देखो टॉपिक का नाम रहेगा ALA, अपनी कॉपी में जो नया टॉपिक डालोगे ALA, आपको जो पढ़ना है दोस्तों किस प्रकार से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ना है। किसी भी प्रकार के टॉपिक को पढ़ रहे हो आप बेसिक कंसेप्ट से पढ़ो, यूं मान के चलो आपको दोस्तों कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका दोस्तों टॉपिक का पूरा नाम क्या है ALA का, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसको हिंदी में जो अपन बोलते हैं अमेरिकन पुस्तकालय संघ कहते हैं, अमेरिकन पुस्तकालय संघ। ठीक है, अमेरिकन पुस्तकालय संघ इसको हिंदी में कहते हैं। संघ किसे कहते हैं, जो किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए या किसी एक प्रमुख संस्थाओं के लिए जो है कार्य करता है, वह दोस्तों क्या होता है आपका संघ होता है। ठीक है, अब देखो इस ALA की स्थापना का प्रयास किस प्रकार से होता है इसके लिए अपन बात करते हैं। आपसे पूछा जाए स्थापना का प्रयास, ठीक है, स्थापना का प्रयास कि ALA की स्थापना का प्रयास किस प्रकार से होता है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है।
तो दोस्तों स्थापना का जो प्रयास होता है 1853 में क्या होता है, एक सम्मेलन होता है, एक कन्वेंशन होता है, और ये कन्वेंशन दोस्तों आपके फिलाडेल्फिया शहर में होता है, जिसमें आपके 80 पुस्तकालय अध्यक्ष 80 लाइब्रेरी ने क्या लिया, भाग लिया, ठीक है। और इस सम्मेलन में जो है आपके यहाँ पर चर्चा होती है, जो अनेक विद्वानों ने जो लगभग जो 80 जो लाइब्रेरियन 80 पुस्तकालय अध्यक्ष ने भाग लिया है, इन्होंने एक स्थापना की, एक संगठन बनाने की चर्चा की, ठीक है, कि पुस्तकालय संबंधी एक संगठन बनाया जाए जो आने वाले समय में भविष्य में पुस्तकालयों के लिए कार्य कर सके, भविष्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए उनका उद्देश्य निर्धारित कर सके और उनके लिए समय समय पर उनके लिए क्या करे, उनकी स्थापना करे, उनके लिए वित्त प्रदान करे। यही दोस्तों इसकी स्थापना करने का जो है सर्वप्रथम मुद्दा रखा गया। तो होता क्या है, 1853 की अपन बात करते हैं, कब की अपन बात करते हैं, 1853 की अपन बात करते हैं। 1853 में दोस्तों क्या होता है, कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन का मतलब यह सम्मेलन होता है, और ये कन्वेंशन दोस्तों कहां पर होता है, आपका फिलाडेल्फिया शहर में होता है, ठीक है। फिलाडेल्फिया शहर, फिलाडेल्फिया जो शहर पड़ता है दोस्तों आपके कहाँ पर पड़ता है, आपके यूएसए में पड़ता है। इस सम्मेलन की अगर अपन बात करें, यहाँ पर जो है आपकी पुस्तकालय संगठन बनाने का प्रयास किया, अगर आपसे पूछा जाए इस सम्मेलन में क्या किया, पुस्तकालय संगठन बनाने का प्रयास किया, ठीक है, बनाने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों जो प्रयास किया ना, इसने प्रयास किया और तय किया कि आने वाला जो समय है अगले वर्ष, ठीक है, अगले वर्ष में 1854 में एक और सम्मेलन होगा। 1854 में क्या होगा, पुनः कन्वेंशन होगा, ठीक है, पुनः कन्वेंशन होगा, और इस कन्वेंशन में, इस सम्मेलन में जो है स्थापना करने का, जो है आपके एक संघ की स्थापना करने का निर्णय लिया जाएगा। एक संघ की स्थापना करने का निर्णय लिया जाएगा, स्थापना करने का निर्णय लिया जाएगा। देखो यहां पर 1853 में क्या होता है, फिलाडेल्फिया शहर में क्या होता है, सम्मेलन होता है जिसमें जो है भाग लिया है। अगर आपसे पूछा जाए इस सम्मेलन में जो है ना कितने पुस्तकालय अध्यक्षों ने भाग लिया, यहां पर आपकी 80 जो लाइब्रेरियन है, 80 पुस्तकालय अध्यक्षों ने दोस्तों क्या लिया, यहां पर आपकी भाग लिया है, ठीक है। ये सभी विद्वान जो है यहाँ पर एक संगठन बनाने का प्रयास किया और निर्णय लेते हैं कि आने वाले समय में 1854 में एक पुनः कन्वेंशन होगा। क्या होगा, पुनः कन्वेंशन होगा, और पुनः कन्वेंशन जो होगा इसमें दोस्तों एक संघ की स्थापना की जाएगी और यहीं पर क्या लिया जाएगा, संघ की स्थापना करने का निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। तो जो संघ की स्थापना करने का जो है निर्णय लिया जाएगा वो अगले साल लिया जाएगा, अगले साल एक कन्वेंशन होगा उसमें लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है, ये जो सम्मेलन है ना 1854 में जो हो रहा है, ये कन्वेंशन नहीं होता है, ये कन्वेंशन दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। कन्वेंशन क्या नहीं हुआ 1854 में, और यहां पर जो संगठन बनाने का प्रयास किया था वह भी सफल नहीं हो पाता है। इसके बाद में पुनः एक और सम्मेलन होता है, कन्वेंशन होता है 4 से 6 अक्टूबर, जो कि फिलाडेल्फिया शहर में होता है, हिस्टोरिकल सोसाइटी पर। तो एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिख लो। देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना, किसी भी टॉपिक को आप दोस्तों पढ़ो, किसी प्रकार से टॉपिक को पढ़ो, उस टॉपिक को आपको जो पढ़ना है बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पढ़ना है। अगर आप दोस्तों कंसेप्ट से पढ़ रहे हो, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ रहे हो, तो आपके जो आपका एग्जाम होगा, जो आप नोट्स बना रहे हो, उस नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर सोचे कि भैया पेपर कहाँ से बनाऊं, ठीक है। आप जो एग्जाम देखे हो, आपको जो लगे कि जितने भी आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो, एक जो है एक एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पढ़ रहे हो, तो दोस्तों 100% एक गारंटी आपको देता हूं कि आपके नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। देखो अपन आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, यहां पर अगला जो सम्मेलन होता है इसके बाद में दोस्तों यहां पर क्या होता है, आपकी 4 से 6 अक्टूबर, ध्यान देना, यहां पर 4 से 6 अक्टूबर 1876, ठीक है। यहां पर दोस्तों क्या होता है, पुनः क्या होता है, कन्वेंशन होता है। ये जो कन्वेंशन होता है अगर अपन बात करते हैं, ये हिस्टोरिकल सोसाइटी जो है,
हिस्टोरिकल सोसाइटी कन्वेंशन के नाम से होता है। हिस्टोरिकल सोसाइटी कन्वेंशन के नाम से दोस्तों क्या होता है, ये सम्मेलन होता है। अगर आपसे पूछा जाए ये सम्मेलन दोस्तों किस स्थान पर होता है, आपसे पूछे तो भैया किस स्थान पर होता है, ये आपके फिलाडेल्फिया शहर में होता है। ये कहाँ पर होता है दोस्तों, फिलाडेल्फिया शहर में क्या होता है, कन्वेंशन होता है। 4 से लेकर 6 अक्टूबर के मध्य दोस्तों ये जो है सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में जो है भाग लिया है, अगर अपन बात करें, अगर आपसे जो भाग लिया है इस सम्मेलन में, वो दोस्तों 103 विद्वानों ने, ठीक है, 103 लाइब्रेरियन जो है इन्होंने भाग इसमें लिया है। क्लियर है, याद हो जाएगा। तो 103 पुस्तकालय अध्यक्ष दोस्तों इसमें क्या लिया, भाग लिया, जिसमें से जो है आपके 90 तो दोस्तों इसमें क्या थे, पुरुष थे, और आपके दोस्तों यहाँ पर क्या थी, 13 क्या थी इसमें महिलाएं थी। ठीक है, मतलब जो इसमें जो है इस आपके एएलए की स्थापना करने में पुरुष और महिलाओं दोनों का क्या रहा है, योगदान रहा है। इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद में 103 पुस्तकालय अध्यक्षों ने, 103 विद्वानों ने दोस्तों यहाँ पर क्या लिया, निर्णय लिया कि भैया एक जो है अमेरिका में एक पुस्तकालय संघ की स्थापना की जाए, और संघ की स्थापना करने का यही उद्देश्य था सार्वजनिक पुस्तकालय को मजबूत करना, सार्वजनिक पुस्तकालयों के उद्देश्यों को निर्धारित करना। ठीक है, और जिस राज्य में जिस जगह स्थान पर सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना नहीं हो रही है वहां पर पुस्तकालय की स्थापना करवाना, अधिनियम पारित करवाना, यही दोस्तों क्या था इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस सम्मेलन में जो स्थापना करने का क्या लिया, जो निर्णय लिया, और इसके बाद में क्या होती है आपकी 6 अक्टूबर 1876 को दोस्तों एएलए की स्थापना हो जाती है। एक बार अपनी कॉपी में क्या कर लो, इसको लिख लो, फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में एक एक चीज को कंसेप्ट वाइज लिखते रहो। ठीक है, एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एएलए की स्थापना करने के लिए 2 बार क्या होता है, प्रयास होता है। एग्जाम में पूछे एएलए की स्थापना करने का कितनी बार प्रयास होता है, 2 बार प्रयास होता है। पहली बार जो प्रयास होता है वो 1853 में होता है, और दूसरी बार प्रयास जो होता है 1876 में होता है। ठीक है, 1876 में जो सम्मेलन हुआ है, ठीक है, इसमें 80 पुस्तकालय अध्यक्ष ने भाग लिया है। ठीक है, जिनमें 90 पुरुष और 13 महिलाएं थी। अगर अपन सामान्य तौर पर जो अपन विद्वानों की अगर अपन बात करते हैं, जो मेन अगर अपन बात करें, आपके मेलविल डेवी सबसे इंपॉर्टेंट तो ही, इन्होंने भी दोस्तों इसमें क्या लिया है, भाग लिया है। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि मेलविल डेवी कि इस द्वारा किस पुस्तकालय संघ की स्थापना की जाती है, तो वो है आपका एएलए आता है, इनका भी प्रमुख योगदान रहा है। ठीक है, आपके सीए कटर हो गए, इन्होंने भी दोस्तों एएलए की स्थापना करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। आपकी जस्टिन विंसर हो गए आपके, ठीक है, ये प्रमुख विद्वान है जिन्होंने आपके एएलए की स्थापना करने में क्या की है, आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आपके दोस्तों सैमुअल एस ग्रीन हो जाते हैं, इन्होंने दोस्तों जो सभी विद्वानों ने दोस्तों क्या किया है यहाँ पर आपकी एएलए की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो एक बार क्या करो, इसको भी लिख लो। ये जो महत्वपूर्ण विद्वान है मेलविल डेवी, तो दोस्तों कई बार पूछता है कि एएलए की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा 100% आपको मेलविल डेवी मिलेगा। अगर वो ऑप्शन नहीं मिलता है तो ये महत्वपूर्ण 3 विद्वान और बच के सी ए कटर, जस्टिन विंसर और सैमुअल एस ग्रीन हो जाता है। ठीक है, इसको भी अपनी कॉपी में लिख लो। क्लियर है, अब देखो अपन बात करते हैं आगे, अपन दोस्तों अपन बात करते हैं इसके बाद में जो क्या होता है आपके एएलए की स्थापना होती, किसकी स्थापना होती है दोस्तों, आपकी एएलए की स्थापना होती है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना होती है। देखो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है वो किस प्रकार से होती है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसकी जो स्थापना होती है, जो एस्टेब्लिश होता है दोस्तों, स्थापना होती है ये 6 अक्टूबर 1876 को, 6 अक्टूबर 1876 को दोस्तों क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। अगर आपसे पूछे स्थान, तो दोस्तों स्थान जो रहेगा आपका फिलाडेल्फिया शहर, फिलाडेल्फिया शहर यहाँ पर दोस्तों क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। फिलाडेल्फिया शहर दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, कि यूएसए में पड़ता है। अगर आपसे पूछे जो हिस्टोरिकल सोसाइटी जो है आपका जो सम्मेलन हो रहा है, ये भी आपके सम्मेलन दोस्तों कहाँ पर होता है, ये सम्मेलन भी आपके फिलाडेल्फिया शहर में ही होता है। क्लियर है, पहला सम्मेलन है फिलाडेल्फिया शहर, और दूसरा भी कहाँ पर हो रहा है, फिलाडेल्फिया शहर में होता है। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें कुछ समय की बात करते हैं, ये जो फिलाडेल्फिया शहर है,
ठीक है। यहाँ से जो है आपका ALA का जो है आपका हेडक्वार्टर का दोस्तों क्या होता है, आपका हस्तांतरण होता है। तो आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि ALA की स्थापना के वक्त मुख्यालय क्या था, ठीक है, ALA की स्थापना के वक्त मुख्यालय कहाँ पर था, तो ALA की स्थापना के वक्त मुख्यालय आपका फिलाडेल्फिया शहर USA में था। और वर्तमान समय की अगर अपन बात करें, हस्तांतरण दोस्तों कहाँ पर होता है, हस्तांतरण जो होता है वह आपके शिकागो में होता है। शिकागो USA में यहाँ पर हो जाता है। तो फिलाडेल्फिया शहर से जो आपके जो इसका स्थानांतरण होता है वो दोस्तों कहाँ पर होता है, शिकागो में। और जो इसका प्रेजेंट हेडक्वार्टर भी दोस्तों कहाँ पर, आपसे पूछे ALA का प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भैया ALA का प्रेजेंट हेडक्वार्टर भी दोस्तों कहाँ पर है, शिकागो में है। जैसे ही स्थापना होती है यहाँ पर देखो, ALA की दोस्तों जैसे ही स्थापना होती है, विश्व का प्रथम पुस्तकालय संघ कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, विश्व का प्रथम पुस्तकालय संघ। तो विश्व का जो प्रथम पुस्तकालय संघ है, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन है, वह दोस्तों कौन सा कहलाता है आपका, ALA कहलाता है। सबसे मोस्ट है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। विश्व का प्रथम पुस्तकालय संघ का दोस्तों नाम क्या, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ, ठीक है, याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ। तो विश्व का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है ना, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ, तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ का भी दोस्तों नाम क्या है, उसका भी जो नाम है आपके ALA है, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपनी कॉपी में इसको लिख लो। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, लिख लिया आपने, वीडियो को पोस्ट करके दोस्तों आप एक एक चीज अपनी कॉपी में लिखते रहो। देखो ALA की स्थापना आपके 6 अक्टूबर 1876 को फिलाडेल्फिया शहर में इसकी स्थापना हो जाती है। और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर दोस्तों, शिकागो में है, प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है। विश्व का प्रथम पुस्तकालय संघ कहलाया और विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कहलाया। अगर अपन भारत की अपन बात करें, भारत का प्रथम पुस्तकालय संघ की अपन बात करते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम पुस्तकालय संघ की स्थापना कब होती है, ये तो विश्व का हो गया, और भारत का जो है वह आपके 1914 में आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना होती है, ठीक है, याद रखना। और आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना होती कहाँ पर होती है, 1914 में विजयवाड़ा में होती है। किसके प्रयासों से, इयांकी वेंकटरमनैया, किसके प्रयासों से, इयांकी वेंकटरमनैया। ये दोस्तों इनको पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया, ये कमेंट्स बॉक्स में जाओगे आप बताओगे, ठीक है। दूसरा, ये किस नाम से और जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, ये दोनों इसके बारे में आप क्या करो, कमेंट्स बॉक्स में जाओगे वहां पर बताओगे, ठीक है। देखो अपन बात करते हैं, इसके बाद में कुछ और बेसिक्स अपन बात करते हैं, इसके अध्यक्षों की अपन बात करते हैं, जो ALA इसके प्रेसिडेंट की अपन बात करें, आपसे पूछा जाए इसके फर्स्ट जो है, अपन आपसे पूछे कि फर्स्ट इसके अध्यक्ष कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, तो भैया इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट को अपन बात करते हैं तो वह है दोस्तों कौन, आपके प्रथम जो है इसके जस्टिन विंसर है, जो कि 1876 से 1885 तक बनते हैं। अभी आपको बताया कि भैया इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है, किसका महत्वपूर्ण योगदान है, जस्टिन विंसर का है, तो ये इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। वर्तमान में अगर अपन बात इसके प्रेजेंट जो है प्रेसिडेंट है वो दोस्तों कौन है, जूलियस सी जेफरसन है, और पूर्व कौन है, वंडा के ब्राउन है। ज्यादा दोस्तों इसके जो है ना आपको अध्यक्षों की याद रखना नहीं कि वर्तमान में कौन है, फर्स्ट कौन है और पूर्व कौन है, इतना सा आपको ध्यान रखना था। उसके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बनते हैं आपके ALA के वो जस्टिन विंसर बनते हैं, वर्तमान में जूलियस सी जेफरसन है, और पूर्व दोस्तों कौन है, वंडा के ब्राउन है, ठीक है। अब बात करते हैं, मेलविल डेवी भी दोस्तों इसके क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेलविल डेवी ALA के जो है अध्यक्ष कब से कब तक रहते हैं, तो दोस्तों ये 1890 जुलाई से लेकर 1891, देखो ध्यान देना, 1890 जुलाई से लेकर 1891 और 1892 से लेकर 1893, कई बार सदस्यता क्वेश्चन ये बन के आ चुका है। कई जगह गाइड्स में आपको देखने के लिए मिलता है कि भैया 1890 से डायरेक्ट आपको 1893 मिलता है, नहीं, इनको दो बार क्या बनाया है, दो बार इनको दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया जाता है, दो बार क्या बनाया जाता है आपके, सॉरी, अध्यक्ष बनाया जाता है आपके ALA का। पहला अध्यक्ष बनाया 1890 जुलाई से लेकर 1891 अंत तक बनाया,
फिर जो है इनको दोबारा जो है प्रेसिडेंट के पद पर इनको नियुक्त किया जाता है, वो 1892 से लेकर 1893 तक इनको नियुक्त किया जाता है। क्लियर है, जो कि सबसे मोस्ट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ चुका है। अब देखो इसके अपन बात करते हैं, कोषाध्यक्ष की भी अपन बात करते हैं। जो ट्रेजरर है आपके एएलए का, जो कोषाध्यक्ष बनते हैं वो सर्वप्रथम कोषाध्यक्ष कौन बनते हैं आपके, प्रथम इसके बनते हैं मेलविल डेवी। ठीक है, मोस्ट है भैया, ठीक है, क्योंकि इसके प्रथम जो बन रहे हैं कोषाध्यक्ष वो कौन बन रहे हैं सर, वो है सर बन रहे हैं मेलविल डेवी। कब से कब तक बनते हैं, 1876 से लेकर 1877 तक बनते हैं। अगर अपन बात करें वर्तमान की, अगर अपन बात करें तो वर्तमान में कौन है आपके, मैगल फेरल है, जो कि 2019 से लेकर 2022 तक इसके ट्रेजरर आपके कोषाध्यक्ष बनी रहेगी। इनका जो है कार्यकाल पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है जब इनकी नियुक्ति होती है, कि इनका जो कार्यकाल है 2022 तक रहेगा, 2023 तक रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और पूर्व जो इसके कोषाध्यक्ष दोस्तों रहते हैं, पूर्व कौन है, सुसान हिल्ड्रिट है, जो कि 2016 से 2019 तक इसके कोषाध्यक्ष रहते हैं। इसको भी भाई अपने कॉपी में एक बार लिख लो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज दोस्तों आपको कंसेप्ट वाइज अपनी कॉपी में लिखते रहनी है, ठीक है। और आपको समय समय पर, ऐसा नहीं, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमें याद नहीं होता है, हम याद नहीं कर पाते हैं या याद नहीं रह पाता है, तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है भैया, आपको आपको सप्ताह में कम से कम आपको एक बार रिवीजन करना है। आज आपने पढ़ लिया, एक एक चीज़ कंसेप्ट वाइज समझ लिया, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में दोस्तों उस टॉपिक को जो है आपको कम से कम एक वीक में एक बार रिविजन करना है। अगर आप उस टॉपिक को रिविजन नहीं कर रहे हो तो आपके साथ क्या, हर स्टूडेंट के साथ, हर विद्यार्थी के साथ यही होता है, उसको याद नहीं रह पाता है। आप उसको दो महीने बाद में, एक महीने बाद में उठाकर देख रहे हो तो भैया गोल गप्पा हो जाएगा। ठीक है, आपने जो पढ़ा है ना वो भी याद नहीं रहेगा, टॉपिक पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था। तो आपको जो है उसको क्या करना, समय समय के अनुसार रिविजन करना है। एक टाइम के अकॉर्डिंग आप आज जो इस टॉपिक को आज पढ़ लिया, अगले 7 दिन में एक बार इस टॉपिक को रिविजन करना है। जैसे आप इस टॉपिक को रिविजन जो है ना कम से कम 10 मिनट में ही कर रहे हो, पहली बार जो पढ़ रहे हो लगभग आपको 1 घंटा लग रहा है, लगभग 1.5 घंटा भी लग रहा है, लिखने में भी लग रहा है, समझने में भी लग रहा है। लेकिन जो अगला टॉपिक आप जो इसको दोबारा रिविजन करोगे, जो आपने खुद के हाथों से नोट्स बनाए, सबसे ज्यादा दोस्तों याद उस विद्यार्थी को होता है जो खुद के हाथों से नोट्स बना रहा है और उन नोट्स से ही अपना क्या करा, रिवीजन करा है, उसको जल्दी याद भी रहता है और भूलता भी नहीं है। तो आपको भी यही प्रक्रिया अपनानी है, आपको क्या करना, नोट्स बनाने हैं और कम से कम जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, एक टॉपिक को आज पढ़ा तो अगले 7 दिन में उसका नंबर आना चाहिए रिविजन करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से धीरे धीरे आपको क्या करना, रिविजन करना है। अगला देखो अपन बात करते हैं इसके एएलए के सचिव की, अपन बात करते हैं सेक्रेटरी की, अपन बात करते हैं। तो देखो एएलए के सेक्रेटरी की अगर दोस्तों अपन बात करें, प्रथम जो इसके सेक्रेटरी बनते हैं वो 1889 से लेकर 1890 तक बनते हैं, सबसे मोस्ट है भैया मेलविल डेवी, फिर यहां पर आ जाते हैं। तो इसके सचिव जो बनते हैं मेलविल डेवी बनते हैं प्रथम। इसके अंतिम सचिव जो दोस्तों इसके कौन है, डेविड एच क्लिप्ट है, जो कि 1951 से लेकर 1958 सबसे मोस्ट है। 1958 में क्या कर दिया, जो सचिव पद था, सेक्रेटरी पद था, इसको दोस्तों इस पद की जगह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी डायरेक्टर पद का जो है आपके यहां पर पद प्रारंभ किया गया। ध्यान देना, सचिव पद को यहां पर दोस्तों इसको हटाया गया, इसी पद की जगह यहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद का प्रारंभ होता है। तो एएलए के अंतिम सचिव जो रहते हैं ना वो डेविड एच क्लिप्ट रहते हैं। ठीक है, इसके बाद की अगर अपन बात करें, 1958 के बाद में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद प्रारंभ होता है। वर्तमान में इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोस्तों कौन है, ट्रेसी डी हॉल है, ये ध्यान रखना। वर्तमान में एएलए का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, ट्रेसी डी हॉल है। और पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अगर अपन बात करें तो वह दोस्तों कौन है, मेरी डब्ल्यू जी टी ऑक्स है, 2017 से 2020 तक ये रहती है। तो अपनी कॉपी में एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एक चीज को जो है अपनी कॉपी में लिखते रहो, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप, ठीक है, एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो यहाँ पर आपका जो है क्लासेस का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो। अब देखो अपन बात करते हैं एएलए के बारे में, कुछ प्रमुख बातें भी अपन बात कर लेते हैं जो एग्जाम के व्यूपॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखो इंपॉर्टेंट की अगर अपन बात करें, सबसे पहले तो अपन बात करें विश्व का प्रथम पुस्तकालय संघ, ध्यान देना विश्व का प्रथम पुस्तकालय संघ है।
क्लियर है। अभी अपन ने बात की थी विश्व का प्रथम पुस्तकालय संघ, तो विश्व का जो प्रथम पुस्तकालय संघ की अगर अपन बात करते हैं वो दोस्तों कौन है, एएलए है। दूसरी अपन बात करें विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ, तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है वह भी दोस्तों कौन सा है, आपके एएलए है, ठीक है। और भारत का अगर आपसे पूछे, भारत का प्रथम पुस्तकालय संघ अगर आपसे पूछे, भारत के ऊपर आपसे पूछता है भैया भारत का प्रथम पुस्तकालय संघ क्या है, भारत का फर्स्ट आपके लाइब्रेरी एसोसिएशन का नाम बताओ, तो उसका दोस्तों नाम क्या, आपके 1914 में आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना होती है। और किसके द्वारा होती है, कौन करता है, उनको पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया है, ये चीज आप क्या करोगे, एक चीज आप कमेंट सेक्शन जाओगे और आप जो है इस चीज को आप बताने वाले हो, क्लियर है, याद रह जाएगा इसके बारे में। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ कौन सा है वो भी आप कमेंट सेक्शन जाकर बताओ, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहां पर 1890 की अपन बात करते हैं, 1890 में एएलए ने आपके रीडिंग जो रूम है या रीडिंग कक्ष है अपन बोल सकते हैं, रीडिंग कक्ष की स्थापना की, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एएलए ने रीडिंग कक्ष की स्थापना कब की है, तो दोस्तों एएलए ने रीडिंग कक्ष की जो स्थापना की है वो कब की, 1890 में की। इसके बाद में अगर अपन दोस्तों अपन बात करें 1899 में दोस्तों अपन बात करते हैं एएलए ने जो है आपके संदर्भ विभाग की स्थापना की, किसकी स्थापना की दोस्तों, संदर्भ विभाग की भी स्थापना की है, ठीक है, संदर्भ विभाग की स्थापना की, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि एएलए ने सर्वप्रथम जो संदर्भ विभाग की स्थापना कब करता है, तो भैया संदर्भ विभाग की स्थापना कब करता है, वह 1890 में यहां पर करता है। देखो अगर अपन बात करें संदर्भ सेवा की, अगर अपन बात करते हैं एएलए में जो है विश्व की अगर अपन बात करें संदर्भ सेवा की, तो विश्व में सर्वप्रथम संदर्भ सेवा 1875 के आसपास दी जाने लगी थी आपके, यहां पर एएलए में जो पुस्तकालय संघ यहां पर भी दी जाने लगी है, लेकिन संदर्भ विभाग की जो स्थापना होती है वो 1890 में होती है, ठीक है। आपसे पूछा जाए बच्चों के लिए जो है 1890 में, ध्यान देना बच्चों के लिए भी जो है यहीं पर, ठीक है, बच्चों के लिए भी जो है संदर्भ विभाग की स्थापना होती, बच्चों के लिए भी जो है संदर्भ विभाग की स्थापना होती है, तो बच्चों के लिए संदर्भ विभाग की जो स्थापना होती है वह भी दोस्तों कब होती है, संदर्भ विभाग की स्थापना वह भी आपकी जो स्थापना होती है आपकी 1890 में होती है, यह सबसे मोस्ट ध्यान रखना। इसके अलावा अपन बात करें सबसे मोस्ट है 1905 में दोस्तों आपकी बुक लिस्ट पत्रिका, ठीक है, बुक लिस्ट जो पत्रिका का प्रकाशन होता है, जो कि वर्तमान समय प्रकाशन हो रहा है, बुक लिस्ट पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है, तो ये दोस्तों कब से प्रारंभ प्रकाशन इसका प्रारंभ होता है, तो वह प्रकाशन दोस्तों करता है आपके 1905 से, क्या करता है इसे, बुक लिस्ट पत्रिका का प्रकाशन करता है। और बुक लिस्ट पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों कब से हो रहा है, 1905 से हो रहा है। अगर आपसे क्या पूछे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इस बुक लिस्ट पत्रिका की अगर आपसे क्या पूछता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दोस्तों क्या आपकी, इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी क्वार्टरली इसकी दोस्तों क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो ये भी एग्जाम के व्यू पॉइंट से आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, एक बार दोस्तों इसको क्या करो लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने, एक बार इसको अपन रिपीट कर लेते हैं, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखो एएलए दोस्तों जो है विश्व का प्रथम पुस्तकालय संघ, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कहलाता है। इसने 1890 की अपन बात करें, एएलए ने रीडिंग रूम की कक्ष की स्थापना की, जो रीडिंग कक्ष की स्थापना की है, और ये रीडिंग कक्ष की स्थापना दोस्तों किसके लिए अगर आपकी क्या आपसे पूछा जाए, तो इसको भी लिख लो, ये जो रीडिंग कक्ष की स्थापना की है दोस्तों ये बच्चों के लिए की, छोटे बच्चों के लिए की है इसने, ठीक है, रीडिंग कक्ष की स्थापना की है, ये छोटे बच्चों के लिए स्थापना की है। 1890 की अगर अपन बात करें, सॉरी यहाँ पर 1890 मत करना यार, 1899 करो, छोटा सा करेक्शन है, ठीक है, 1899, तो 1899 दोस्तों क्या किए, एएलए ने संदर्भ विभाग की स्थापना की, और 1899 में दोस्तों आपकी एएलए ने बच्चों के लिए संदर्भ विभाग की स्थापना करता है। सबसे मोस्ट जो है आपके 1905 में बुक लिस्ट पत्रिका का प्रकाशन करता है, जो कि वर्तमान समय में दोस्तों इसका प्रकाशन हो रहा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दोस्तों क्या क्वार्टरली है, मतलब इसकी
स्टेटमेंट्स ये आपके त्रैमासिक है, क्लियर है, याद रह जाएगा। अगला देखो अपन बात करते हैं यहाँ पर आपकी लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स या इंटेलेक्चुअल फ्रीडम लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अपन बात करते हैं, ये जब अपन सेंसरशिप पढ़ते हैं तो वहां पर भी अपन पढ़ते हैं लाइब्रेरी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम या लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट। दोस्तों क्या करता है, अमेरिका में जो पाठक है उनको पाठकों को पढ़ने का एक अधिकार देता है, उनको अधिकार देता है। तो एग्जाम में पूछा जाए ALN ने लाइब्रेरी ऑफ बिल ऑफ राइट दोस्तों कब लाया, तो वह 19 जून 1939 को लाया। इसका उद्देश्य क्या था कि वहां के पाठकों को पढ़ने का अधिकार दिया जाए, ठीक है। ये सेंसरशिप के अंतर्गत आता है जो कि लोगों को पढ़ने बोलने अथवा जो है पर जो है रोक लगाना ही सेंसरशिप कहलाता है। तो उसको हटाने के लिए दोस्तों, उसको जो है वहां पर थोड़ा सा बैन लगाने के लिए ये लाया गया कि ए जो है आपके यूएसए के पाठकों को पढ़ने का अधिकार दिया जाता है, क्लियर है, याद रह जाएगा। तो ये जो लाइब्रेरी ऑफ बिल ऑफ राइट है ये कब आता है, 19 जून 1939 को आता है। इसके बाद में इसमें अमेंडमेंट समय समय के अनुसार दोस्तों क्या होते रहते हैं आपकी, समय समय के अनुसार इस लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट में जो है समय समय पर दोस्तों आपकी अमेंडमेंट्स भी होते रहे। तो अमेंडमेंट्स दोस्तों कब होते हैं, इसको अपन बोलते हैं हिंदी में संशोधन कहते हैं, क्लियर है। इससे अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन जो कह सकते हैं संशोधन भी कह सकते हैं। तो संशोधन कब कब होते हैं, 1944 पहला जो संशोधन होता है। अगर आपसे पूछा जाए लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट में पहला अमेंडमेंट कब होता है, जो फर्स्ट जो अमेंडमेंट होता है इसमें आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट जो अमेंडमेंट होता है, पहला संशोधन होता है वह दोस्तों कब होता है, पहला अमेंडमेंट इसमें होता है 1944 में होता है, मोस्ट है भाई, ठीक है। फिर 1948, 1961, 1967, 1980, 1996 और 2019 और आपसे पूछे अंतिम इसमें अमेंडमेंट्स कब होता है, लास्ट टाइम, ठीक है, अंतिम अमेंडमेंट्स कब होता है, ठीक है। तो अंतिम अमेंडमेंट्स दोस्तों होता है आपके 2019, ठीक है। या आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, आपसे ऐसा ही पूछ ली कि लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट का अद्यतन संस्करण कौन सा है। देखो ध्यान देना, आपसे क्या पूछ ले, लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट का अद्यतन संस्करण कौन सा है। अद्यतन मतलब, अद्यतन का मतलब क्या होता है कि वर्तमान में इसका कौन सा संस्करण है। तो अद्यतन संस्करण की अपन बात करें, इसमें अंतिम समय पर जो है अमेंडमेंट्स कब होता है, अंतिम समय जो इसमें अमेंडमेंट्स होता है 2019 का। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये जो है लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट का दोस्तों क्या अद्यतन संस्करण भी है, ठीक है। अब इसकी अपन बात करते हैं, पुस्तकों और अन्य पुस्तकालय संसाधनों को उस समुदाय, यहां पर समुदाय, उस समुदाय के सभी लोगों की रुचि, जानकारी और ज्ञान के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। जो पुस्तकालय कार्य करते हैं उन सामग्रियों की उत्पत्ति, पृष्ठभूमि या उनके निर्माण में योगदान करने वाले विचारों के कारण सामग्री को बाहर नहीं किया जा सकता है। या अपन कह सकते हैं कि भैया अपन एक वर्ड में अपन बात करें, जो पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री रखी गई है वो सभी पाठ्य सामग्री आपके पाठकों के लिए पढ़ने के लिए रखी गई है, ठीक है। एक समुदाय के लिए रखी गई है जो कि उनको पढ़ने का अधिकार देता है, उनको यूज करने का अधिकार देता है, वह दोस्तों कौन सा देता है आपकी लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट देता है। ये जो कई बार ऐसा भी जो है आपके सेंसरशिप से पूछा जाता है कि ALN ने सर्वप्रथम सेंसरशिप के संबंधित सेंसरशिप के लिए प्रयास कब किया, ठीक है, सेंसरशिप के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया। तो ALN ने सर्वप्रथम जो प्रयास किया सेंसरशिप के लिए वो 19 जून 1939 को लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट बनाने के साथ इसका प्रयास किया है। तो अपनी कॉपी में एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक एक चीज को लिखते रहूं। वैसे दोस्तों अगर अपन बात करें इस टॉपिक की, अगर अपन बात करें ये टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक है, ये मान के चलो जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को अपन जो पढ़ रहे हैं आपकी KVS पंजाब लाइब्रेरियन या जो आपके बिहार लाइब्रेरियन होगी NVS होगी उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। यहाँ तक दोस्तों इस टॉपिक को जो पढ़ रहे हैं अपन, इस टॉपिक से आपका दोस्तों जो आने वाला जो एग्जाम होगा, अपकमिंग जो वैकेंसीज आ रही है उससे आपका 100% एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको इस तरह से पढ़ना है, कंसेप्ट वाइज पढ़ना है। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो भैया उसकी कंसेप्ट वाइज पढ़ो, उसकी जो है उसके बारे में इतना पोस्टमार्टम करो कि उसमें दोस्तों जो है उसके बारे में कुछ भी और भी जानकारी ना रहे, उसकी खोपड़ी में इतने छेद करो कि जो भाई ये पूछे कि भैया अब जो है ना अब जगह नहीं है खोपड़ी में छेद करने के लिए, समझ में आ रहा है। मतलब इतना पढ़ो इसके बारे में कि जो है ना एग्जामिनर दोस्तों जो है आपका पेपर बनाए तो उस नोट से आपके जो बनाए गए हैं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। और SLC क्लासेस दोस्तों यही
कंसेप्ट लेकर चल रही है, मैं यही कंसेप्ट लेकर चलता हूँ कि स्टूडेंट को दोस्तों किसी प्रकार का टॉपिक पढ़ता है तो उसमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली। एग्जाम दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, एग्जामिनर जो है ना कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को नहीं देखता है, वह कोई क्वेश्चन बैंक को नहीं देखता है, वह आपके सिलेबस को देखता है। अगर आपके टॉपिक में सिलेबस में टॉपिक है तो वह दोस्तों कोई टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं, हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई स्टूडेंट सोचते हैं सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक पूछा ही नहीं है, और भाई अगली बार उसी में से पूछ लेता है, और ये तो क्वेश्चन पूछ लिया अब की बार इंपॉर्टेंट हो गया। तो भैया अब जब तक उस टॉपिक के बारे में पहुंचता नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, जैसे ही पूछ लिया वह टॉपिक जो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक है आप ये मान के चलो कि भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हर टॉपिक से क्वेश्चन बन के आ रहा है, हर टॉपिक को आप मजबूत करो। ठीक है, कई स्टूडेंट्स जो है ना लाइब्रेरी साइंस जो है ना टेक्निकल लाइब्रेरी साइंस को तो लगभग घंटों पढ़ते हैं, और जो नॉन टेक्निकल जो रह गया आपका, चाहे से आप पंजाब की तैयारी तो पंजाब लाइब्रेरी का जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, आपकी क्वांट होगी, आपकी पंजाब लाइब्रेरी की आपके जो ग्रामर होगी, तो उसको पढ़ रही नहीं भाई। जब तक आप दोनों जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को आप दोनों को मजबूत नहीं करोगे, आप दोनों को ध्यान देना, दोनों को मजबूत करना है, दोनों को पढ़ा भारी रखना है, बराबर रखना है, जब जाकर आपका दोस्तों सिलेक्शन होगा। आप लाइब्रेरी साइंस को घंटों पढ़ रहे हो, आप जो इसी बेस पर एग्जाम में जा रहे हो, तो भैया वो जो आपका है ना ये जो नॉन टेक्निकल वाला वो मरवाएगा आपको, वो सिलेक्शन नहीं देगा आपको, ये 100% है कि भैया अब लेके दिखा, मेरे को पढ़ा ही नहीं तूने, ठीक है तो अब लेके दिखा, फिर वो वहां पर आपको परेशान करेगा। आप जो टॉपिक को पढ़ो, दोनों टॉपिक को मजबूत करो, दोनों टॉपिक को समय दो, ठीक है, जब जाकर आपका दोस्तों जो है आपका 100% सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, आप इसी प्रकार आप बिहार लाइब्रेरी की तैयारी करो, तो भैया बिहार का जीएस हो गया, क्वांट हो गया, तो उनको भी धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपका जब तक सिलेबस आएगा तब तक आपकी जो है लगभग 70-80% जो है तैयारी पहले से ही हो चुकी होगी, और जो फॉर्म बनने रहे हैं, जो आपके अपकमिंग जो आपके जो विद्यार्थी हैं, जो आपके कंपिटिटिव है, उनसे पहले ही क्या हो चुके हो, आप अलग हो चुके हो, आप उनसे पहले ही आप लगभग 80 गुना हो चुके हो, भैया जितनी मेहनत करेंगे ना उससे पहले ही आप हो चुके हो, फिर आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आवश्यकता है। ठीक है भाई, याद रह जाएगा। अब देखो अपन बात करते हैं इस एएलए के दोस्तों अपन अवार्ड्स की, अपन बात करते हैं किसकी, अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, भाई पेजों की कमी पड़ गई। ठीक है, एक बार जो है अपन क्या करते हैं, ठीक है, एएलए के अवार्ड्स की अपन बात करते हैं। देखो एएलए के दोस्तों अवार्ड्स की अगर अपन बात करें, किसकी अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, एएलए के अवार्ड्स की अपन बात करते हैं, तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आता है कि निम्न में से एएलए के अवार्ड्स कौन कौन से हैं। देखो पहला जो अवार्ड दोस्तों आता है आपका किंग अवार्ड आता है, ठीक है, एएलए का भैया किंग अवार्ड, किससे संबंध है आपकी एएलए से, एडल्ट लीगेसी अवार्ड भी आता है, कौन सा आता है दोस्तों आपकी एडल्ट, या अपन बोल सकते हैं यंग एडल्ट अवार्ड, तो यंग जो एडल्ट अवार्ड है ये यंग एडल्ट अवार्ड भी दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है, आपकी एएलए के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मार्गरेट एडवर्ड अवार्ड, ठीक है, मार्गरेट एड जो है एडवर्ड अवार्ड, तो मार्गरेट एडवर्ड जो अवार्ड है ये भी दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है, आपके एएलए के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें एलेक्स अवार्ड की, अगर अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, ये एलेक्स अवार्ड भी दोस्तों आपकी जो है आपकी एएलए के द्वारा दिया जाता है, आपकी जॉन काटन डाना, ठीक है, जॉन जो आपकी काटन डाना है, ठीक है, जो कॉटन डाना है, जॉन कॉटन डोना, इन जो है ये भी अवार्ड दिया जाता है इनके नाम पर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर अपन बात करें आपकी जो है एक चिल्ड्रन अवार्ड भी होता है, चिल्ड्रन अवार्ड भी दोस्तों इसके द्वारा दिया जाता है, तो कई बार ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि चिल्ड्रन अवार्ड दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है, चिल्ड्रन जो अवार्ड है ये भी आपके एएलए के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है, याद आ जाएगा। तो ये बेसिक जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना मेलविल डेवी पर कोई भी अवार्ड वर्तमान समय में एएलए नहीं दे रहा है, सबसे मोस्ट है ये, ठीक है, मेलविल डेवी पर वर्तमान समय में एएलए कोई भी अवार्ड नहीं दे रहा है। पहले एएलए ने जो है मेलविल डेवी पर अवार्ड प्रारंभ कर रखे थे, लेकिन बाद में जो है इसको उठा दिया गया, क्यों, क्योंकि इनका दोस्तों एक मतभेद चल रहा था पहले से ही। जब ये लेक प्लेस्ट क्लब की स्थापना करते हैं 1895 फ्लोरिडा में, तो वहां पर अश्वेत भी थे वहां पर, ठीक है, तो ये जो है अश्वेतों के खिलाफ थे वो,
मतलब कट्टर थे अपन बोल सकते हैं, तो वहाँ पर कुछ मर्डर वर्डर भी हुआ था इनकी वजह से, और बाद में जो है इन पर मतभेद चल रहा था कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, तो इस वजह से जो है ए एल ए ने बाद में क्या कर दिया, मेलविल डेवी के नाम से जो अवार्ड जितने भी प्रारंभ कर रखे थे, जितने भी इनके नाम से जो है उपाधियाँ दी जा रही थी, वो सभी उपाधियों क्या कर दिया, बंद कर दिया है। तो वर्तमान समय में अगर आपसे पूछे ए मेलविल डेवी के नाम से कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है, कोई सा भी अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, क्लियर है, याद रह जाएगा। अगर अपन बात करते हैं तो ये जो दो तीन जो अवार्ड्स आपसे क्वेश्चन पूछा चुका है, किंग अवार्ड, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम यूजीसी नेट तक पहुंचा जा चुका है कि किंग अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो किंग अवार्ड दोस्तों किसके द्वारा, ए एल ए के द्वारा, यंग एडल्ट अवार्ड, मार्गरेट जो है एडवर्ड अवार्ड, एलेक्स अवार्ड हो गया, जॉन काटनडाना, किसके द्वारा, जॉन काटनडाना। भैया ये जॉन काटनडाना कौन है, जॉन काटनडाना दोस्तों आपकी जो नेवार्क पद्धति जो आपकी आती है, कौन सी पद्धति क्या आती है, नेवार्क पद्धति आती है, तो नेवार्क पद्धति जो है ना वह दोस्तों जो है नेवार्क पद्धति का 1900 में निर्माण करने वाले कौन आपके, जॉन काटनडाना है, ठीक है। जो विश्व का प्रथम पुस्तकालय ओपन करते हैं मेलविल डेवी, उसके जो प्रथम बैच बनता है, प्रथम बैच में जो है आपके अपन बात करें आपके उसमें जो है 20 छात्र थे, उसमें से प्रथम बैच के छात्र कौन, जॉन काटनडाना ही है, ठीक है, याद रह जाएगा। और चिल्ड्रन अवार्ड दोस्तों ये भी आपके ए एल ए के द्वारा दिया जाता है, एक बार क्या करो दोस्तों इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक एक चीज को भाई कंसेप्ट वाइज लिख लो जो एग्जाम के व्यूपॉइंट से क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब अपन बात करते हैं कुछ ए एल ए के जो डिविजन, ए एल ए के प्रभाग के बारे में बात करते हैं, कई बार भाई इनके फुल फॉर्म भी पूछ लेता है और आप जो विद्यार्थी करते, सॉरी ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए, ये ए एल ए के प्रभाग है जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, जो लगभग लगभग जो है एग्जाम में दोस्तों यहाँ से फुल फॉर्म पूछे जा चुके हैं, और लगभग लगभग क्वेश्चन एग्जाम में जो फुल फॉर्म पूछी गई है ये यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछी गई है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, कुछ आप तो है नहीं भैया यूजीसी नेट में पूछ रहा तो आपके नहीं पूछेगा, हो सकता है पूछ ले, तो भैया इनका भी अपन क्या करते हैं डिस्कशन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं AASL, ये सभी जो है ना ये एले के डिविजन प्रभाग हैं, कभी अपन मौका मिलेंगे तो ये मान के चलो कम से कम जो है ना 2-3 घंटे की इन पर ही क्लासेज हो जाएगी, तो इनका भी पढ़ेंगे। अब इतना सा ध्यान रखना ये प्रमुख इसके क्या है डिविजन है। अपन बात करते हैं AASL की, तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज, AASL का पुराना दोस्तों नाम क्या है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज है। ALCTS का पूरा नाम क्या, एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन एंड टेक्निकल सर्विसेज है। ACRL, ये जो है ना क्वेश्चन कई बार आपको देखने के लिए मिलता है, मिलता नहीं मिलता, ACRL का पूरा नाम क्या, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज है, ठीक है। इसके बाद में ASCLA, एसोसिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एंड कोऑपरेशन लाइब्रेरी एजेंसीज है। अगर अपन बात करें LLAMA की, अगर अपन बात करें लाइब्रेरी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन, इसका पूरा नाम है PLA, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन है। रूसा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, ठीक है। रेफरेंस जो है रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन है, और ये भी क्वेश्चन बन के आ चुका है। यलसा, यंग एडल्ट लाइब्रेरी सर्विसेज एसोसिएशन है। ये सभी दोस्तों किसके प्रभाग है, ये सभी ALA के डिविजन, ALA के क्या है प्रभाग है। तो वीडियो को पॉज करो और एक एक चीज को भैया अपनी कॉपी में क्या करो, नोट डाउन करो, इसके बाद अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो ये जो है ना अभी इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करें, आपका जो है यूजीसी नेट में है ना वो तो पूरा यहाँ पर आपको ACRL भी आपको अलग से मिलता है पढ़ने के लिए, यलसा भी मिलता है, तो अपन ज्यादा ध्यान नहीं रखना यहाँ पर आपको, क्योंकि आपके सिर्फ ALA टॉपिक दिया गया, उतना डीपली क्वेश्चन भी बन के नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना ये ALA के डिविजन प्रभाग है, पहले तो ये ध्यान रखना है, और ये सभी किससे संबंध रखते हैं, ALA के द्वारा, और इन सभी की स्थापना किसके द्वारा की गई, आपके ALA के द्वारा स्थापना की जाती है सभी की, ठीक है, याद रह जाएगा, लिख लिया आपने। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं, कुछ अपन बात करते हैं, ठीक है, ALA के जो नोटेबल ऑफिसेज हैं उन ऑफिसेज की अपन बात करते हैं, ठीक है। जो ऑफिसेज हैं अगर अपन बात करें कुछ प्रमुख ऑफिसेज स्थापना करते हैं अलग से, एक तो दोस्तों आपके ऑफिस जो इसका ALA का अलग से ऑफिस ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है, ठीक है, ऑफिस ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है। बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए भी एक समय जो इसका एक अलग से ऑफिस की स्थापना की, उसका पूरा नाम क्या है, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो OIF है, ठीक है। दूसरा अपन बात करें
ऑफिस फॉर एक्रीडेशन है। तो कई बार देखो एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है कि भैया जो है ऑफिस फॉर एक्रीडेशन किससे संबंध रखता है आपके, ये आपके ALA से संबंध रखते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, OA कहते हैं। ठीक है, ऑफिस फॉर डाइवर्सिटी लिटरेसी एंड आउटरीच सर्विसेज, ठीक है, तो ये भी दोस्तों किससे संबंध, नोटेबल ऑफिस आपके ALA का है। ठीक है, ऑफिस फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी, ठीक है, OITP, ये भी आपका दोस्तों क्या है, आपका ALA का नोटिफल ऑफिस है, मतलब एक अतिरिक्त अलग से इसका प्रभाग की स्थापना होती है। ALA के एडिशन जो बुक पब्लिशन करता है इसका भी अलग से स्थापना की जाती है, तो इनको भी अपनी कॉपी में लिख लो, इंपॉर्टेंट है, कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रह जाएगा तो लिख लो भाई, इसके बाद अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। अपन बात करें ALA के सम्मेलन की, अपन बात करते हैं तो ALA का दोस्तों क्या होता है, वार्षिक सम्मेलन होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ALA का दोस्तों हर वर्ष क्या होता है, एक वार्षिक सम्मेलन होता है। तो उस वार्षिक सम्मेलन के बारे में अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, कुछ बेसिक्स की अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पर ALA का एनुअल कॉन्फ्रेंस की अपन बात करते हैं। ALA का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, ये एनुअल कॉन्फ्रेंस दोस्तों जो हो रहा है ये कब से हो रहा है, हर वर्ष हो रहा है, मतलब ये एनुअल कॉन्फ्रेंस जो 1876 से हर वर्ष, मतलब जो है हर वर्ष होता है, अपन बोल सकते हैं हर वर्ष होता है, ये वार्षिक होता है, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अपन वार्षिक कह सकते हैं, एनुअल कह सकते हैं। कब से हो रहा है ये सम्मेलन आपकी, ये सम्मेलन जो होता है दोस्तों आपकी 1876 से लेकर वर्तमान समय तक आपका दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। क्लियर है, याद रह जाएगा। अब देखो इस सम्मेलन में होता क्या है, अगर अपन बात करें दोस्तों इस सम्मेलन में जो होता है आपके जो ALA के द्वारा जो कार्य किए गए उन कार्यों पर डिस्कस करना, आने वाले समय में किस किस प्रकार की जो स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या क्या प्लानिंग रहेगी, किस प्रकार से जो पुस्तकालय का विकास किया जाएगा, पाठकों के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, तो उन सभी जो बातों पर यहाँ पर जो आपके ALA के जो विद्वान है उन सभी पर क्या करते हैं आपके ALA के विद्वानों के द्वारा यहाँ पर आपकी इस पर चर्चाएं की जाती है। तो अपन बात करते हैं, अगर सबसे पहले अपन बात करें कि 24 से जो है आपके 26 जून, ठीक है, 24 से 26 जून की अगर अपन बात करते हैं तो आपका ALA का सम्मेलन जो है आपका एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है। ये एनुअल कॉन्फ्रेंस मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर देखो, मोस्ट इसलिए है कि 24 से जो 26 जून जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है ALA का, ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, पहला वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होता है, ये ध्यान रखना, पहला वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन के आया, आपसे पूछा जाए ALA का पहला वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कब होता है, तो सर ALA का जो पहला वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है ना वो जो होता है आपके 24 से 26 जून 2020 24 से 26 जून 2020 पर दोस्तों क्या होता है आपका पहला वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होता है। ये सबसे मोस्ट है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का मतलब भैया ये आपके भैया जो कॉन्फ्रेंस जो विद्वान घर बैठे ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं भैया, एक डिस्प्ले लगा दी जो आपकी, ठीक है, और वहीं पर क्या करें वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपकी इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, इसलिए दोस्तों ये क्या सबसे मोस्ट है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं आपके 2001 जो है आपका होने वाला है 21 में, तो 24 से जो है आपके 29 जून, ठीक है, 24 से 29 जून 2021, ठीक है, 24 से 29 जून 2021 को जो आपका ALA का दोस्तों एनुअल कॉन्फ्रेंस होने वाला है 2021 में। ये जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होने वाला है दोस्तों ये आपके शिकागो में होने वाला है, कहाँ पर होगा, शिकागो में होगा। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि ALA का 24 से 29 जून 2021 को जो 2021 में सम्मेलन होने वाला है, वार्षिक सम्मेलन दोस्तों कहाँ पर होने वाला, आपके शिकागो में होने वाला है। और ALA का प्रथम वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होता है जो 24 से 26 जून 2020 में आपके ALA का दोस्तों वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होता है, इसलिए दोस्तों ये क्या है आपका ALA का वार्षिक सम्मेलन में क्या अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक बार दोस्तों क्या करो इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है ALA को टॉपिक को पढ़ा है, ये ALA का टॉपिक दोस्तों आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ दोस्तों इस टॉपिक को अपने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पढ़ा है और आपको एक एक चीज़ समझ में आई है। आपको जो भी इससे संबंधित कोई डाउट्स है, जो भी आपके क्वेश्चन है, आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, बताइए आपको क्लास किस प्रकार से लगी। ठीक है,
और आपको दोस्तों उसको जितने भी आपके फ्रेंड्स देख रहे हैं उन सभी फ्रेंड्स को आपको क्या क्लास से शेयर को शेयर करना है। अपन दोस्तों ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स की अपन बात करें, जो आपकी पंजाब लाइब्रेरी की जो वैकेंसी आई है इसके लिए ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स प्रारंभ कर रखा है। जो SLC क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डाउनलोड SLC क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, यहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स प्रारंभ कर सकते हो। देखो SLC क्लासेस की अगर अपन दोस्तों बात करें, लाइब्रेरी के क्षेत्र में जो है ना SLC क्लासेस ने बहुत ही अच्छा कार्य करा है किया है, ठीक है। जो मैंने से जो है दोस्तों यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा हुआ है जो छात्र है, जैसे राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 की अपन बात करें दोस्तों, यहाँ पर अच्छे एक शानदार अंकों के साथ, एक शानदार रैंक के साथ दोस्तों SLC क्लासेस ने सिलेक्शन दी है। KVS 2018 की अपन बात करें, NVS 2019 की अपन बात करें, या अन्य कॉम्पिटिशन जो एग्जाम हुए उनमें दोस्तों SLC क्लासेज ने एक अच्छे रैंक के साथ क्या दिए, सिलेक्शन दिए। आप दोस्तों ये मान के चलो SLC क्लासेस के साथ शुरू से लेकर अंत तक आप जो है क्लासेस के साथ जुड़े हुए हो, मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आपका 100% दोस्तों सिलेक्शन होगा। आपको जो क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको जो स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो टेस्ट सीरीज होगी, आपका जो वीकली टेस्ट होगा, पूरा स्टडी मटेरियल है ना आपको यहीं से SLC क्लासेस से एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपको मार्केट से किसी प्रकार की गाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं, किसी पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई तेरे नोट्स दे, भाई तेरे नोट्स दे यार, ये पढ़ूँ ये बुक पढ़ूँ, नहीं। आपको क्या पढ़ना है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो सभी आपको दोस्तों SLC क्लासेस के माध्यम से मिलेगा। आपके सामने एक मंजिल दिखाई दे रही है, उस मंजिल तक दोस्तों आपको पहुँचना है, तो उस मंजिल का जो है तक पहुंचने के लिए जो है मैं एक आपके लिए माध्यम बन सकता हूं, लेकिन उस मंजिल पर दोस्तों जो पहुंचना है वो आपको पहुंचना है, मेहनत आपको करनी है, आपको कंटेंट दोस्तों यहां से प्रोवाइड करूंगा। उस कंटेंट में दोस्तों इतना दम होगा कि आप जो है अपनी एक सिलेक्शन एक अपसीट निकाल लोगे, ठीक है। तो आपको दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपका जो ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स प्रारंभ कर रखा है, जो बिहार लाइब्रेरी की अपकमिंग वैकेंसी है जो 1800 पोस्ट की, तो उसके लिए भी दोस्तों ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स प्रारंभ किया है। डाउनलोड SLC क्लास एप्लीकेशन, यहाँ पर दोस्तों डेली लाइव क्लासेस होती है बिहार लाइब्रेरी की, शाम को 6 से 7:30 तक। ऐसा नहीं रिकॉर्ड क्लास करके आपके लिए अपलोड कर दिया, नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड करके अपलोड करते कर तो दे, लेकिन जो आपके डाउट्स है, जो आपके कंसेप्ट है, कोई भी आपको डाउट हो जाता है, वो डाउट्स किस प्रकार से क्लियर होगा, तो वहाँ पर आप लाइव क्लासेस में पढ़ोगे तो वहीं पर आपको दोस्तों चैट का ऑप्शन मिलता है, जिसके माध्यम से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। उसी वक्त आपके डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बाय द वे उस क्लास को आप नहीं अटेंड कर पाते हो तो आप उस क्लास को रिकॉर्ड की हुई आप क्लास वहीं पर आपको मिल जाती है। जो NTA लाइब्रेरियन की दोस्तों अपन बात करें, जो आपकी दोस्तों जो 147 पोस्ट की है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है, जो करवा रही है, और एग्जाम जो अटेंड करवाएगी वो आपका NTA करवाएगी, तो इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स प्रारंभ किया है, और ये लाइव क्लासेस हो रही है डेली आपकी दोस्तों, लाइव क्लासेस हो रही है, यहीं पर आपको ई नोट्स, PDF, टेस्ट सीरीज, पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। आपको दोस्तों किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल के बारे में, ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स के बारे में, आपके सामने स्क्रीन के सामने नंबर दिए गए, इस नंबर पर दोस्तों आप जो है इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, आप किसी प्रकार के आपके डाउट्स हैं, तो डाउनलोड SLC क्लास एप्लीकेशन, वहां पर चैट का ऑप्शन मिलता है, चैट के माध्यम से दोस्तों आप मेरे से क्या कर सकते हो, 24/7 आवर्स आराम से जुड़ सकते हो। जो भी प्रॉब्लम्स है वहां पर आप शेयर कीजिए, आपकी सभी प्रॉब्लम्स को शेयर जो है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के नई टॉपिक के साथ, और दोस्तों आप इतना ही प्यार देते रहिए, आप क्लासेस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। हम जो है SLC क्लासेस के माध्यम से जो मैं है आपके लिए नया नया कंटेंट लेकर आता रहूंगा, आपके लिए जो है घर बैठे दोस्तों आप आराम से जो है एक शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो, और जो आपकी मंजिल है, मंजिल को पाने में दोस्तों जो माध्यम बन सकता हूं, ठीक है। तो इसी प्रकार से मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में। गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।